नमस्कार, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल धर्मेंद्र स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2021 का आने की हिंदी का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड द्वारा जो है अभी जो है जारी किया है। इस वीडियो में हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आप आर्ट से हो या साइंस से हो या कॉमर्स से हो, किसी भी संकाय से हो, आप लोग के लिए जो है एक मॉडल पेपर काफ़ी इंपोर्टेंट है। ये जो है बिहार बोर्ड द्वारा जो है अभी जारी हुई है। यहाँ पर मैं आप लोग को जो है यहाँ पर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है यहाँ पर आंसर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। इससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके और अपना आंसर मिला सके और अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है देख सके। और अभी तक जो है आप लोग इस मॉडल पेपर को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग जो है बिहार बोर्ड का ऑफिशियल साइट पर जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, आप लोग उस वीडियो को देखकर आसानी से जो है इंग्लिश एवं हिंदी का जो है मॉडल पेपर जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो है यहाँ पर हिंदी एवं इंग्लिश का मॉडल पेपर जो है बिहार बोर्ड ने जारी किया है तो आप लोग आसानी से जाकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो है आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से 50 का ही सही ऑब्जेक्टिव जो है वो एमआर शीट में जो है आप लोग को फिलअप करना। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी छात्र छात्राओं तक पहुंच सके। और अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े तो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और बगल में बेल घंटी जाएगा उसको आप ऑल पर सेलेक्ट कर ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचती रहे, मैं आप लोग जान सके। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर, स्नेह मंगन शब्द कौन सा समास है? स्नेह मंगन शब्द कौन सा समास है? तो ये जो है यहाँ पर हो जाएंगे तत्वपुरुष। अगर आप लोग का इसमें से जो भी क्वेश्चन का अगर आप लोग का आंसर आता है तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट करते चलिए आप लोग कितने क्वेश्चन का जो है इसमें हल कर पा रहे हैं। यहाँ पर दो नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर, विक्रमादित्य शब्द का संधि विच्छेद है, विक्रमादित्य का शब्द का संधि विच्छेद है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे विक्रम प्लस आदित्य हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। तीन नंबर क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य इसमें कौन है? तो शुद्ध वाक्य जो है आप लोग फटाफट कमेंट करते चलिए, तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है यहाँ पर साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये जो है शुद्ध अवाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है तीन नंबर क्वेश्चन का। चार नंबर क्वेश्चन है घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है, घोड़ा शब्द कौन सा संज्ञा है? तो घोड़ा शब्द जो संज्ञा जो है यहाँ पर हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है चार नंबर क्वेश्चन का। पाँच नंबर क्वेश्चन है उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है, उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद है, तो उन्नायक शब्द का संधि विच्छेद जो है यहाँ पर हो जाएंगे उत प्लस नायक हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। छः नंबर क्वेश्चन है नदी शब्द है, नदी शब्द है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है या इनमें से कोई नहीं है? तो नदी शब्द क्या है? तो नदी शब्द जो है यहाँ पर हो जाएंगे स्त्रीलिंग, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है छः नंबर क्वेश्चन का। सात नंबर क्वेश्चन है श्याम ने मिठाई खाई कौन वो कारक है, श्याम ने मिठाई खाई कौन कारक है? तो ये जो कारक हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे, कर्ता कारक हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। आठ नंबर क्वेश्चन है अनुराग शब्द का विलोम होगा, अनुराग शब्द का विलोम होगा, तो अनुराग शब्द का विलोम जो है यहाँ पर विराग हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है आठ नंबर क्वेश्चन का। नौ नंबर क्वेश्चन है यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद है, तो यथार्थ शब्द का संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर यथा प्लस अर्थ हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही है। दस नंबर क्वेश्चन है पदबंध के कितने प्रकार है, पदबंध के कितने प्रकार है, तो पदबंध के कितने प्रकार है, तो यहाँ पर जो पदबंध के जो है यहाँ पर पाँच प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है दस नंबर क्वेश्चन का। ग्यारह नंबर क्वेश्चन है मोर शब्द का पर्यायवाची है, मोर शब्द का पर्यायवाची है, तो मोर शब्द का पर्यायवाची जो है सारांग हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही, मोर शब्द का पर्यायवाची सारांग हो जाएंगे। बारह नंबर क्वेश्चन है प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय करें, तो प्रकाश शब्द का लिंग निर्णय इसमें क्या हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है प्रकाश शब्द जो है यहाँ पर पुल्लिंग है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है बारह नंबर क्वेश्चन का। तेरह नंबर क्वेश्चन है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है, तो बनावट के अनुसार शब्द के जो है यहाँ पर तीन भेद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। चौदह नंबर क्वेश्चन है यहाँ से चले जाओ वाक्य है, यहाँ से चले जाओ वाक्य है, तो यहाँ से चले जाओ वाक्य जो है इसमें हो जाएंगे आज्ञा बोधक हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है चौदह नंबर क्वेश्चन का। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है
अपने गांव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ है, तो क्या हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएंगे अपनी हानि आप करना, यानी कि जो है अपना हानि जो है खुद से करना, ये इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, बालक शब्द में प्रत्यय है, बालक शब्द में प्रत्यय है, तो बालक शब्द में क्या प्रत्यय है, तो बालक, बालक शब्द का जो है प्रत्यय हो जाएंगे अक हो जाएंगे, यानी कि आप लोग से प्रत्यय पूछेगा तो आप लोग को जो है लास्ट अंक जो है यहाँ पर जोड़ देना है, तो यहाँ पर जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे लास्ट शब्द जो है यहाँ पर पकड़ लेना है, तो यहाँ पर जो है बी सही है, इसका करेक्ट आंसर बालक अक हो जाएंगे इसका लास्ट, तो बालक का जो है सही आंसर जो है इसका बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है, बदनाम शब्द में उपसर्ग है, बदनाम शब्द में उपसर्ग है, तो 17 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे बद हो जाएंगे, ये उपसर्ग कहेगा तो आपको फर्स्ट शब्द ले लेना है और प्रत्यय कहेगा तो यहाँ पर जो है लास्ट शब्द ले लेना है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर उपसर्ग पूछा जा रहा है तो यहाँ पर जो है बदनाम, तो यहाँ पर फर्स्ट जो है यहाँ पर बद आ जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। 18 नंबर क्वेश्चन है, रात हुई तारे निकले वाक्य है, रात हुई और तारे निकले वाक्य है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे 18 का जो है बी सही है, साधारण वाक्य है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा शब्द कौन समास है, महात्मा शब्द कौन समास है, तो महात्मा शब्द जो है यहाँ पर समास जो हो जाएंगे आप लोगों को कर्म धाराय समास है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसे कौन ना आविष्कार करेगा, इसे कौन ना आविष्कार करेगा, सर्वनाम है, तो इसे कौन ना आविष्कार करेगा, सर्वनाम जो है इसमें हो जाएंगे आप लोगों को क्या हो जाएंगे प्रश्नवाचक हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर क्वेश्चन है, नववधु शब्द कौन समास है, नववधु शब्द कौन समास है, तो ये जो है यहाँ पर कर्म धाराय समास हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है, मैदान शब्द का विशेषण है, मैदान शब्द का विशेषण है, तो मैदान शब्द का विशेषण क्या, तो 22 का करेक्ट आंसर जो है आप लोग को क्या हो जाएंगे मैदानी हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर सी सही है, मैदान शब्द का विशेषण जो है यहाँ पर मैदानी हो जाएंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, पढ़ने योग्य के लिए एक शब्द है, तो 23 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे यहाँ पर पठनीय हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है 23 नंबर क्वेश्चन का। 24 नंबर क्वेश्चन है, भाला शब्द कौन विशेषण है, भाला शब्द कौन विशेषण है, तो भाला शब्द जो है यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है, व्याकुल शब्द का संधि विच्छेद है, तो व्याकुल शब्द का जो संधि विच्छेद जो यहाँ पर हो जाएंगे बी प्लस आकुल हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है 25 नंबर क्वेश्चन का। 26 नंबर क्वेश्चन है, विशेष शब्द का विलोम है, विशेष शब्द का विलोम है, तो विशेष शब्द का विलोम जो हो जाएंगे यहाँ पर अविशेष हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 27 नंबर क्वेश्चन है, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होगा, पेट में चूहे कूदना मुहावरे का अर्थ होगा, तो क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी जो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे जोर की भूख लगना, इसका करेक्ट आंसर डी सही है, यानी कि पेट में चूहे कूदना जोर से भूख लगना। 28 नंबर क्वेश्चन है, फैसला शब्द है, फैसला शब्द है, तो फैसला शब्द क्या है, ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे तत्सम हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 28 का सी सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, जिससे भय नहीं है का एक शब्द है, जिससे भय नहीं है का एक शब्द है, तो क्या हो जाएंगे इसका हो जाएंगे नी भय, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से जो है आप सभी को पते होंगे कि यहाँ पर रचना की दृष्टि से दो भेद होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है, जिसे रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे कहते हैं, पर जो अव्यय कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है 31 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन है, गिरो शब्द कौन संज्ञा है, गिरो शब्द कौन संज्ञा है, तो गिरो शब्द जो है यहाँ पर समूह वाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर ए सही है 32 नंबर क्वेश्चन का। 33 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञान शब्द कौन समास है, अज्ञान शब्द कौन समास है, तो अज्ञान शब्द जो है यहाँ पर समास जो है यहाँ पर हो जाएंगे तत्व पुरुष समास हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ए सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है, सर्वनाम है, यहाँ पर देखिए वह कौन है जो भाषण दे रहा है, सर्वनाम है, तो इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें जो है संबंधवाचक हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है 34 का सी सही है। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है, तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग को 35 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे यहाँ पर आप लोग को सी सही है, कोप, कोप हो जाएंगे यहाँ पर।
छत्तीस मरकुचा ने संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है, संपूर्ण क्रांति किस लेखक की रचना है, तो ये जो है जयप्रकाश नारायण की रचना है, तो इसका करेक्ट आंसर ये सही है। सैंतीस मरकुचा ने सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं, सुदृढ़ गोष्ठी किसे कहते हैं, तो सुदृढ़ गोष्ठी जो है यहाँ पर किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, यूरोप के काव्यकाल प्रवीण विदन मंडली को कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी सही। अड़तीस मरकुचा ने लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, लहना सिंह के भतीजे का क्या नाम था, तो ये जो है कीरत सिंह नाम था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये सही है अड़तीस नंबर क्वेश्चन का। उनचालीस नंबर क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में पल्टन का विदूषक कौन था, उसने कहा था कहानी में पल्टन का विदूषक कौन था, तो उनचालीस का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, वह जीरा सिंह हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर भी सही है। चालीस नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन लेखक थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए थे, तो ये जो है कौन जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर जो है उदय प्रकाश जी जो है यहाँ पर जुड़े हुए थे, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। इकतालीस नंबर क्वेश्चन है उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, उदय प्रकाश किस पत्रिका के सहायक संपादक थे, तो ये जो है यहाँ पर क्या इंडिया टुडे से थे, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। बयालीस नंबर क्वेश्चन है शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है, तो शिक्षा पाठ के जो रचयिता जो है यहाँ पर ये जो हो जाएंगे जे कृष्णमूर्ति थे, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है बयालीस नंबर क्वेश्चन का। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन है तिरछी कहानी किस शैली में लिखी गई है, तिरछ कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो ये जो लिखी गई है यहाँ पर जो है आत्मकथात्मक शैली में जो है लिखी गई है, तो इसका करेक्ट आंसर बी सही है। चौवालीस नंबर क्वेश्चन है मलयज का मूल नाम है, मलयज का मूल नाम है, तो मलयज का मूल नाम क्या है, तो मलयज का मूल नाम जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो ये जो हो जाएंगे इसका भरत जी श्रीवास्तव, तो इसका करेक्ट आंसर जो डी सही है चौवालीस नंबर क्वेश्चन का। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन है देहरादून में ऑपरेटिस की नौकरी किस लेखक ने की, देहरादून में ऑपरेटिस की नौकरी किस लेखक ने की, तो यहाँ पर किसने की, तो ये जो है नामावर सिंह ने की, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है, नामावर सिंह ने जो है यहाँ पर देहरादून में ऑपरेटिस की जो है यहाँ पर नौकरी की, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। छियालीस नंबर क्वेश्चन है नामावर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, नामावर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे यहाँ पर निबंध, निबंध जो है यहाँ पर नामावर सिंह द्वारा जो है लिखित प्रगति और समाज है, तो इसका करेक्ट आंसर डी सही है। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, मोहन और राकेश का बचपन का नाम क्या था, तो मोहन और राकेश और के बचपन का नाम जो था यहाँ पर मदन मोहन गुगलानी था, तो इसका करेक्ट आंसर जो है सैंतालीस का ये सही है। अड़तालीस नंबर क्वेश्चन है चले बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई ये धराए जो कभी वंश्री के ढांके वक्ष स्थल के किलकती रहती थी, प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ की जो है, ये लाइन जो है यहाँ पर किस पाठ से ली गई है, तो ये जो है पाठ किस लाइन से, ये जो पाठ है यहाँ पर उस साधन से जो है ये ली गई है, तो यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर बी सही है। उनचास नंबर क्वेश्चन है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया वो साधन कैसा निबंध है, तो ये जो है कैसा निबंध है, तो यहाँ पर जो है ललित प्रधान है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है डी सही है। पचास नंबर क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के महान कवि है, सूरदास किस भाषा के महान कवि है, तो सूरदास जो है यहाँ पर ब्रज भाषा के जो है महान कवि है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है बी सही है। ये वीडियो जो है यहाँ पर काफ़ी लंबा हो गया है, तो इस वीडियो में मैं 50 तक रहने देता हूँ, उसके बाद में ये जो है पार्ट वन हो गया, अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हैं 50 से लेकर 100 तक, तो आप लोग वीडियो को नीचे फटाफट जो है कमेंट कीजिए, कल ही जो है 50 से लेकर 100 तक का वीडियो जो है आप लोग को पार्ट टू जो है देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, आप लोग जो है बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट से जो है इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं, और यहाँ पर जो है सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, आप लोग जाइए और अपना मॉडल पेपर जो है डाउनलोड कर लीजिए बिहार बोर्ड के ऑफिशियल साइट से। सब्जेक्टिव का आंसर भी आप लोग को बीच जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगा, सब्जेक्टिव आंसर आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।